हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतीक जैन। वेलकम टू फिजिक्साहोलिक्स। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज के वीडियो में हम उन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जिनको अभी कुछ दिनों में, 3 महीने 4 महीने में नीट 2022 का एग्जाम देना है ना, पर अभी तक उनकी पढ़ाई, उनका सिलेबस आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। कई बच्चे जिनका कहना है सर हमको फिजिक्स तो बिल्कुल ही नहीं आती, या फिर हमारा सिलेबस 50% हुआ है या 60% हुआ है। कुछ कुछ बच्चों का तो 20% हुआ है, और कुछ तो ऐसे हैं कि सर हमें फिजिक्स स्टार्ट करना है अभी, हमने बस अभी केमिस्ट्री बायो भी पढ़ रहे थे, इतने दिन से फिजिक्स तो स्टार्ट ही नहीं करी ना। तो वो बच्चे अब क्या कर सकते हैं इन लास्ट के कुछ दिनों में, अराउंड 100 डेज बचे हैं, ताकि मतलब एटलीस्ट 100 मार्क्स लेके आ जाए ना। तो हम एग्जैक्टली उसी के बारे में बात करने वाले हैं। आज का सेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका 50-60% भी सिलेबस नहीं हुआ है। अगर तुम्हारा हो चुका है ना, तो तुम्हारे लिए ये सेशन नहीं है, है ना, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं ऑलरेडी बहुत सारे सेशंस वगैरह बनाता रहता हूँ ना, तो मैं अपनी पढ़ाई करते रहनी है। और एक्जैक्टली तुम्हें किस तरह से रिवाइज करना है, जिनकी अच्छी पढ़ाई चल रही है, उस पर मैं एक वीडियो अलग से बना के डाल दूंगा, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जब मैं बना दूंगा ना। पर आज का सेशन उन बच्चों के लिए जिनका 50-60% भी सिलेबस नहीं हुआ है, या फिर जिनका बिल्कुल भी नहीं हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं कि एटलीस्ट 100+ मार्क्स लेके आ सके फिजिक्स में ना। 100+, 120+ या 150, 140, 130 जितने भी हैं, वो डिपेंड करेगा कि अभी तुम्हारा करंट लेवल क्या है। अगर तुम ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पे हो, लेट्स से तुम्हारा ऑलरेडी 50% सिलेबस हो चुका है, तो तुम बहुत अच्छा जा सकते हो, यू कैन गो इवन अप टू 140-150, है ना। पर ये डिपेंड करता है कि अगले जो बचे हुए टाइम में तुम क्या करने वाले हो ना। मतलब पहले तो एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि अभी तक तुम्हारा सिलेबस क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि अगर तुम्हारे पास 1 साल था 2 साल था, तुम्हारे बराबरी वाले बहुत सारे लोगों ने कर लिया, तुम क्यों नहीं कर पाए। मतलब उसका कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन तुम खुद हो, क्या तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, या फिर मतलब तुम, या फिर सही कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाए, या फिर तुमने बहुत सारा समय कहीं और बर्बाद कर दिया। जो भी रीजंस रहे, तुम्हें यह ध्यान रखना है कि अगर अब तुम चाहते हो तुम्हारे एटलीस्ट 120 के अराउंड मार्क्स आ पाए फिजिक्स में, तो तुम्हें जो बचा हुआ समय है उसमें तुम्हें हर रोज 12-14 आवर्स देने के लिए रेडी रहना है। मतलब तुम्हें टोटल इतनी पढ़ाई करने के लिए कम से कम रेडी रहना पड़ेगा। अगर अभी भी नहीं करोगे फिर तो नहीं होने वाला। तो मैं एक्जैक्टली कंप्लीट बात करने वाला, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, अराउंड 20 मिनट के अराउंड जाएगा, पर हम एक एक चीज के बारे में बात करने वाले ना। तो जो लोग बिल्कुल 20 मिनट बिल्कुल अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ सुन सकते हैं, वो ही इस वीडियो में देखना, और इसको फिर अप्लाई भी करना पड़ेगा ना। मैं सारी चीजों के बारे में कवर करने वाला हूं। तो देखो हम क्या-क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो हम 2021 का आई थिंक पेपर सभी ने देख लिया था, उसका मैंने एनालिसिस भी करा हुआ है। मैं रिकमेंड करूंगा उस एनालिसिस को भी एक बार जाके देख लेना ना, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना। तो हम 2022 में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, डिफिकल्टी लेवल वगैरह सारे के बारे में बताऊंगा ना, हमारा जो नया पैटर्न है उसके हिसाब से क्या होने वाला है, हम किस ऑर्डर में अपना रिवीजन करें, या फिर कुछ बच्चे तो पहली बार ही पढ़ेंगे तो किस ऑर्डर में पढ़ना चाहिए टॉपिक्स, है ना, है ना, क्या सही रहेगा, कौन सा टॉपिक पहले पढ़े कौन सा बाद में पढ़े, ये फिर सिर्फ फिजिक्स के बारे में डिस्कशन करूंगा मैं, याद रखना ना। टॉपिक वाइज वेटेज वगैरह क्या होगा अपना फिजिक्स पढ़ते समय इन 4 महीने में हम क्या गलतियां कर सकते हैं, हमें एक्चुअल में सही तरीके से क्या पढ़ना है ना। आज मैं ये नहीं बोलूंगा कि पूरा कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअली पढ़ो, एससी वर्मा करो, ये करो वो करो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है ना। तो तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे लेवल पर तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें क्या चीजें करनी और क्या नहीं करनी, उनके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा ना भाई। फॉर्मुलेज को अपन कैसे याद रखें और अप्लाई कर पाए ना, क्योंकि सिर्फ रटने से तो नहीं होता, फॉर्मूला रटने से तो सिर्फ नहीं होता ना। तो कौन कौन से याद रखने हैं, किस तरह से याद रखने हैं, उनको कैसे अप्लाई करें कि क्वेश्चन सॉल्व है ना, कि हम भाई 120 तक तो जा पाए फिजिक्स में एटलीस्ट, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा ना भाई, इन लास्ट 100 डेज में, मे बी 4 मंथ्स लेट से, कि अपन क्या कर सकते हैं एक्चुअल में ना। इस समय बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर इस समय हम कौन सी चीजें जिनको खत्म कर सकते हैं और जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। PYQs कहाँ से सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके लिए सही सोर्स क्या होगा ना, सिली मिस्टेक्स कैसे सही करें एग्जाम में। ऑल्दो सिली मिस्टेक वाली बात मैं अभी नहीं बताऊंगा, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ ना, इसका तरीका होता है टेस्ट एनालिसिस करना, इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो उस वीडियो की लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे चैनल पर जाओगे तो मैं मिल जाएगा ना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ भाई, जिन्होंने अभी तक फिजिक्साहोलिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, अगर कोई नया बच्चा है तो सब्सक्राइब कर लेना ना, क्योंकि इस चैनल पे फिजिक्स का बहुत सारा मटेरियल तुम्हें कंप्लीटली फ्री मिलता है, एड फ्री कंटेंट है ना। और फिजिक्साहोलिक्स की वेबसाइट जरूर चेक कर लेना ना, यहाँ पे हमने पूरा कोटा का मटेरियल जो है ना उसको पूरा रिफाइन करा है नए पैटर्न के हिसाब से, है ना, पूरी की पूरी DPPs मॉड्यूल वगैरह तुम्हें सब कुछ बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पे ना, जाओगे तो ना। और कई चैप्टर्स मैंने कंप्लीट पढ़ा के डाल रखे हैं मेरे क्लासरूम लेक्चर्स के, तुम्हें रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी इसमें ना, एंड एवरीथिंग इज कम्प्लीटली फ्री। इन सारी चीज़ों की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, सो यू जस्ट हैव टू क्लिक, है ना, वीडियो पर डिस्क्रिप्शन पर जाके क्लिक करो, मिल जाएगा। साथ में जो इंस्टाग्राम पे वो मुझे फॉलो कर सकते हैं, बाकी सोशल मीडिया से दूर रहो बेटर है, है ना। टेलीग्राम पे जरूर कर लेना, नीट के बच्चे के लिए ये है NEET_Physics ना, ये टेलीग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पे जाना, क्योंकि अभी कुछ दिन में मेरा क्रैश कोर्स भी आएगा जहाँ पे मैं खुद पूरा रिवीजन कराऊंगा तुम्हें 2022 के लिए। तो वो जो भी चीज़ें आएंगी ना, बहुत सारी मेरी अनअकैडमी पे और यूट्यूब पे फ्री लाइव क्लासेस होती है, बहुत कुछ होता है, उन सब की जो भी करंट अपडेट्स है ना वो सारे तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे ना। तो ये जरूर कर लेना, क्योंकि अगर इसको ज्वाइन कर रखा है तो तुम जो भी चल रहा है उससे मतलब कनेक्टेड रहोगे।
और अनअकैडमी पे जो बच्चे प्रॉपरली मुझसे अनअकैडमी पे आके पढ़ना चाहते हैं ना, या फिर अनअकैडमी की जो फ्री लाइव क्लासेस है उनको भी अटेंड करना चाहते हैं, उसमें मैं बहुत सारे आस्क मी एनीथिंग सेशन लेता हूँ, जहाँ पे मैं तुमसे ऑडियो कॉल में भी बात करता हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें करते हैं जहाँ पे तुम्हारी क्वेरीज वगैरह भी रिजॉल्व करते हैं, बहुत कुछ होता है। तो उसके लिए मुझे अनअकैडमी पे जाके सीधा फॉलो कर लेना, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगी। और जो बच्चे डिसाइड कर चुके हैं कि भाई उन्हें अनअकैडमी पे आकर मुझसे ही पढ़ना है, या फिर मेरी जो पूरी टीम है जो कोटा के बेस्ट टीचर्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, उनसे पढ़ना चाहते हैं और अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो लोग अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। माय रेफरल कोड इज फिजिक्स लाइव, इसको यूज़ करने से तुम्हें 100% एक्सेस मिलेगा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों का, है ना। और जो भी बच्चे फिजिक्स लाइव कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेंगे वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी पीजे सर अनअकैडमी, है ना, इस पे मैसेज कर देना कि प्रतीक सर मैंने फिजिक्स लाइव कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया है, प्लीज़ टेक मी अंडर योर गाइडेंस, है ना। और अभी बहुत सारे ऑफर वगैरह चलते रहते हैं अनअकैडमी पे ना, तो अगर अभी कोई भी इस वीडियो को बाद में रिकॉर्डिंग में देख रहा है तो भाई वो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, मैं जो भी ऑफर चल रहे होंगे मैं तुम्हें बता दूंगा ना। जैसे अभी तुम्हें पता है अराउंड 33% तक ऑफ मिल रहा है अनअकैडमी पे ना फिजिक्स लाइव कोड यूज़ करने पे, ठीक है। तो बेटर है मुझे एक बार टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। और बाकी प्राइसेस वगैरह तो आई थिंक पता ही बहुत कम है ना। चलो आ जाओ, चलो स्टार्ट करते हैं ना, अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यार हमें किस ऑर्डर में पढ़ाई करनी चाहिए ना, तो यार ऑर्डर डिसाइड करने से पहले मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा नीट 2021 की कहानी, है ना, ठीक है। अच्छा पहले तो देखो यार, बहुत सारे बच्चे एनालिसिस करते रहते लास्ट के 10 साल 15 साल 20 साल, वो बंद कर दो, क्योंकि इससे नीट 2021 से पहले क्या हुआ वो मैटर नहीं करता, क्योंकि नीट 2021 में पैटर्न कंप्लीटली बदल चुका है एंड ये परमानेंट चेंज है। तो उससे पहले जो होता था वो तो बिल्कुल ही पैटर्न अब बदल चुका है ना, तो उस पर अपन को ध्यान ही नहीं देना। बाकी तुम देखना चाहो तो देखो एक चीज़ देख लो कि भाई अब जैसे नीट 2020 में डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन सिर्फ 5% थे ना, 2021 में अराउंड 40% हो गए, है ना। अपने जो मॉडरेट थे वो 33% थे, 1/3 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, है ना, और बाकी 62% मतलब 2/3 देखा जाए तो 1/3 मॉडरेट थे, डिफिकल्ट नेग्लिजिबल थे, है ना, और 2/3 क्वेश्चन तुम्हारे क्या थे, इजी थे। यहाँ पे पूरी कहानी बदल गई यार, सिर्फ 1/4 क्वेश्चन तुम्हारे इजी थे और लगभग देखो 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन तुम्हारे मॉडरेट लेवल पे थे, ठीक है। तो ये नीट 2021 की कहानी है और एक्सपेक्ट समथिंग सिमिलर इन नीट 2022 में, ये बता रहा हूँ ना, क्योंकि अब सेक्शन ए और सेक्शन बी दो तरह से तुम्हारा डिवीजन है ना, तो तुम्हारा टारगेट मेनली ये होना चाहिए ना। जो बच्चे हैं जिनका टारगेट है कि हम सर 120 सुपर ला पाएं, तो भाई तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए, एक तो ये वाले तो हमको सारे के सारे करने हैं और इसका हमें मेजर पोर्शन कवर करना है, दिस इज आवर टारगेट। जो कुछ गिने चुने 4-5 डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं उनमें हमें नहीं घुसना है, उनमें हमें बिल्कुल घुसना ही नहीं है ना। तो मतलब क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा ना, हम गलत क्वेश्चन में फंस के हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि 3 ही घंटे उसमें हमें अपना मैक्सिमम आउटपुट देना है और अपनी एक MBBS की सीट पक्की कर लेनी है। तो देखो सेक्शन ए वाइज और सेक्शन बी वाइज भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि यही नीट 2022 में भी होने वाला है ना। तो देख लो भाई सेक्शन ए वाइज और बी वाइज, तो सेक्शन ए में एक भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था 2021 में, है ना। हो सकता है इस बार एक आध आ जाए, पर वो एक आध क्वेश्चन मैटर नहीं करता है ना अभी अपने लिए, है ना। तो एक भी डिफिकल्ट नहीं था, अराउंड देखो 1/3 तुम्हारे इजी थे, बाकी 2/3 तुम्हारे ये थे। तो अपना मेन तो ये रहेगा ना, अपना मेन टारगेट ये 35 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसमें तुम्हारे 35 क्वेश्चन आएंगे, ये अपना 35 क्वेश्चन है। इनमें से भाई ज्यादा से ज्यादा 2-3-4-5 क्वेश्चन छोड़ने, बाकी अपन को सारे कवर कर लेने हैं ना, ये अपना पोर्शन है। अब आते हैं सेक्शन बी में ना, तो सेक्शन बी में तुम्हें 15 में से 10 करने होंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ पे। अब देखो इसमें से अगर तुम देखोगे तो लगभग आधा आधा बोल सकते हैं, आधे एक भी ईजी नहीं था, आधे डिफिकल्ट थे, आधे मॉडरेट थे, समथिंग सिमिलर होगी 2022 में भी। तो देखो तुम्हें क्या है, देखो 15 में से 10 करने ना, तो कुछ क्वेश्चन तो तुम्हारे ये वाले तो छोड़ ही देने, डिफिकल्ट वाले तो वो पढ़ के तुम्हें समझ में आएंगे, इनको तो छोड़ ही देना। अब इसमें से तुम्हें आधे क्वेश्चन कर लेने हैं, इनमें से अगर तुमने आधे भी कर लिए ना तो तुम्हारे स्कोर बहुत अच्छा पहुंच जाएगा, इसमें ही तुम्हारे स्कोर अराउंड 156 के अराउंड पहुंच जाएगा। अगर तुम इतना भी करोगे ना तो तुम्हारा योर स्कोर विल बी समवेयर अराउंड 155, है ना, ठीक है। पर ठीक है उसमें से भी मानते हैं कुछ छूटेंगे, कुछ गलतियां होंगी, कुछ हो जाएगा, तो 120-130 कहीं ना कहीं तुम सेटल कर सकते हो ना। चलो अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं ना, इसको सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं, मतलब सब टॉपिक वाइज देख लेते हैं भाई किस चैप्टर में से कितने आए थे, कितने परसेंटेज क्वेश्चन आए थे ना। तो देखो यहाँ पे मैंने नीट 2020 और नीट 2021 में कंपैरिजन कर रखा है, ठीक है। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स है, तो देखो मैकेनिक्स अराउंड अपन बोल सकते हैं 11 की फिजिक्स का, इसमें हमने मैकेनिक्स में फ्लूड वगैरह काउंट कर रखा है ना, ठीक है। ये तीन अपने 11 के टॉपिक हैं, है ना, और नीचे के तीन अपने 12 के हैं। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, मॉडर्न वाला मिसिंग है ना, ग्रीन कलर मिसिंग है, ग्रीन कलर मॉडर्न है, ये मॉडर्न फिजिक्स है, यहाँ पे लिखना भूल गया ना, मॉडर्न फिजिक्स है तुम्हारा, है ना। तो तीन पार्ट में अपना 11th है, नीचे के तीन पार्ट में अपना 12th है ना, इधर पे पूरा देखना है ना, तीन पार्ट 11, तीन पार्ट अपना 12th, है ना। तो देखो मैकेनिक्स अराउंड कह सकते हैं 50-60% होती है अपनी 11th अराउंड, है ना, क्योंकि इसमें फ्लूड भी इंक्लूडेड है। तो इसमें से लास्ट टाइम 22% था, इस बार अराउंड 30% था ना, ठीक है। हीट में से देखो हमेशा बहुत क्वेश्चन आते हैं थर्मल फिजिक्स में से, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में से, लास्ट टाइम 11% था, इस बार अपना अराउंड 4% आया, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा देखो SHM वेव देख दो, वो तुम देख सकते हो, है ना। मेजर देखो फर्क देखो कि भाई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से इससे पहले 30% आया था, इस बार 40% आ गया, ठीक है। तो इसमें से बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार, तो ठीक है। अब इन सब एनालिसिस हमें क्या करना है, मैं तुम्हें फाइनल बता देता हूँ, फाइनल तुम्हें जो ध्यान रखना है ना।
देखो भाई है ना, तो यहाँ पे अपन ने भाई छः पार्ट में डिवाइड कर रखा है इस पूरे को, है ना। तो देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जनरली अपन अराउंड एवरेज कितने क्वेश्चन अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं किस चैप्टर में से। जैसे मैकेनिक्स हो गया है ना, इसमें फ्लूड और ग्रेविटेशन को काउंट कर लिया, फिर अपना पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स हो गया, EMI AC तक पूरा अपना है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करके पूरा, फिर मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर हो गया, ऑप्टिक्स से अपना ज्योमेट्रिकल एंड वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह, फिर इलास्टिसिटी एंड हीट थर्मोडायनेमिक्स हो गया, एंड SHM एंड वेव्स, है ना। तो देखो इसमें अपन ने दोनों चीज़ें कंसीडर करी हैं, क्योंकि सिर्फ ये देखने से काम नहीं होगा कि किसमें से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हमें उसके साथ बहुत सारे फैक्टर्स और भी कंसीडर करने होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, तो ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं न्यूट्रल लॉज ऑफ मोशन पढ़े बिना चला जाऊँ, क्योंकि उसके बिना तुम्हें आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ना। तो जब तुम इंपॉर्टेंस देख रहे हो, तुम्हें बहुत सारे फैक्टर कंसीडर करने हैं। सिर्फ ये देख के तुम नहीं कर सकते, जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स बना के चले जाते हैं इसमें से इतने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो बस इसको पढ़ लो, नहीं। हो सकता है कि कोई ऐसा टॉपिक हो जिसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, पर उसको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तुम आगे के चैप्टर समझ ही नहीं सकते, है ना। तो उन चीज़ों का भी अपन ध्यान रखेंगे, उसके हिसाब से अपन को कौन सी चीज़ें सबसे पहले पढ़नी चाहिए, और अगली चीज़ उसको पढ़ने में अपन को लगभग कितना टाइम लगता है ना, कितने परसेंट टाइम अपन को टोटल जितना भी पढ़ रहे हैं उसका अपन को कितने परसेंट टाइम्स अपन को देना पड़ता है। तो देखो मैकेनिक्स में से ऑब्वियसली मैकेनिक्स सबसे बड़ा पोर्शन है, मैंने जैसे कि कहा ना पूरे पार्ट का, तो 14 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आते हैं पूरे मैकेनिक्स में से ना। ये तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है ना यूनिट्स एंड डायमेंशन, बेसिक मैथ्स, काइनेमेटिक्स से पूरा लेके रोटेशन और फिर ग्रेविटेशन, फ्लूइड व्लूइड सब, है ना, सब इसमें इतना बड़ा पोर्शन है। तो भाई है, इसको पढ़ने में भी तो मैं 35% है ना, 1/3 से भी ज़्यादा समय देना पड़ता है इसको पढ़ने में, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा पोर्शन तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, जो 12th का है, जो जिसको बोल सकते हैं अराउंड 12th का 50-60% पार्ट है ना। तो इसमें से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं अराउंड 11-14, इसमें भी तुम्हें अराउंड 1/3 टाइम देना होता है इसको पढ़ने में। ये दोनों बहुत बड़े बड़े हैं ना। इसके अलावा बाकी की बात करें, जैसे मॉडर्न फिजिक्स देखो ना, तो मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर, पहले तो देखो ये थोड़ा सा मतलब अलग सा है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा पार्ट है, ये जरा से कुछ ही दिनों में खत्म हो जाता है, और इसमें से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, और ये आसान भी बहुत है, सबको समझ में आ जाता है। तो ये अनडाउटेडली हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर, है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। तो सबसे पहले हमको इसको पढ़ना है, क्यों? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है और समय बहुत कम लग रहा है, इसमें सिली मिस्टेक के चांसेस भी कम होते हैं, आसान है, आसानी से समझ में आ जाता है ना। इसको मैंने भाई फिजिक्स ऑल एक्सप्रेस के बहुत सारे चैप्टर कम्प्लीटली पढ़ा के डाल रखे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह ना, यूट्यूब चैनल पर कम्प्लीटली फ्री मिल जाएंगे, तो मैं ना वेबसाइट पर जाओगे वहाँ पर भी दिख जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्टिक्स की ना, तो ऑप्टिक्स में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स है ना, तो इसमें से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, मतलब ठीक है, और 10% है ना, तो मतलब ठीक है, समय भी पढ़ने में इतना लगता है, उसके हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। इलास्टिसिटी, हीट एंड थर्मल, मतलब थर्मल फिजिक्स बोल देते हैं अपन इसको, तो इसमें से देखो अराउंड 2-4 क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब एवरेज है, पर इसको पढ़ने में समय भी अपना बहुत कम लगता है ना, ठीक है। फिर भी देखो, देखा जाए तो इसको हम फिर भी इस बार कम क्वेश्चन आए थे, वैसे जनरली ज़्यादा क्वेश्चन आते, एक्सक्यूज मी ना, इस साल थोड़े से कम क्वेश्चन थे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में से, पर उसके प्रीवियस ईयर में वैसे बहुत क्वेश्चन आते थे ना। तो मैंने कहा था ना, एक साल के बेसिस पे सिर्फ जज मत करना, है ना, इसको हम सेकंड नंबर प्रायोरिटी पे रखेंगे। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, इसको अनडाउटली फर्स्ट नंबर प्रायोरिटी पे रखना है, इसको सेकंड नंबर पे, क्योंकि देखो ये दोनों पहले तो इंडिपेंडेंट टॉपिक है। जैसे तुम्हें अगर मैकेनिक्स नहीं आती ना, तब भी तुम ये वाला पोर्शन मेजर समझ लोगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, इसमें भी तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, ये चीज़ें तुम समझ पाओगे और कर पाओगे ना। तो मोस्टली इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं ये, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, पढ़ने में कम समय लगता है, तो एक कॉन्फिडेंस भी तुम्हारा बढ़ेगा कि भाई हमारा इतना कंप्लीट हो गया है ना, ठीक है। क्या क्या करना है अभी वो भी मैं बताऊंगा तुम्हें ना। अगली चीज़, ये दोनों टॉपिक तुम्हारे, इनमें से बहुत सारा पोर्शन तुम्हारा केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के साथ भी कॉमन है, तो एक जगह पढ़ोगे दो जगह तुम्हारा काम हो जाएगा, तो इसलिए इनको तो नहीं छोड़ना, इनको तो मैं नंबर 1 प्रायोरिटी पे रखूंगा। तो ये तो सबको आनी चाहिए, अगर तुम ये छोड़ के जा रहे हो तो फिर तो भूल जाओ, सिलेक्शन भी नहीं होने वाला, मतलब ये तो करना ही करना है, इनमें से तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। SHM एंड वेव्स की बात करें तो इसमें से भी 2-4 आते हैं, अराउंड 10% है, पर इसको मैं बिल्कुल लास्ट में बोलूंगा, इसको सबसे ज्यादा लास्ट में जाके करना है ना, जब बाकी सब हो जाए तो इसको करना। उसका रीजन क्या है, देखो भाई SHM वेव्स एंड साउंड, ये जो तीन चैप्टर हैं, पहले तो देखो इनको ढंग से समझने के लिए है ना, या तो तुमसे फॉर्मूला रटते रहो, फॉर्मूला रटने में ये है कि आसान बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो कर लेंगे, नहीं 2021 में ऐसे ज़्यादा क्वेश्चन थे नहीं है ना, कुछ थे पर बहुत ज़्यादा नहीं थे, सब में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो दिमाग लगा नहीं था। और अब समझने के लिए तुम्हें पूरी मैकेनिक्स आनी चाहिए, SHM को समझने के लिए पूरी मैकेनिक्स अच्छे से आनी चाहिए तुम्हें ना, तो इसके लिए थोड़ा लास्ट में रखेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट है ये टॉपिक, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, और SHM ढंग से समझ में नहीं आएगा तो वेव्स एंड साउंड समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि SHM से वेव्स ऑन स्ट्रिंग समझ में आता है, उससे हमको साउंड समझ में आता है। देखो भैया यहाँ पे तो इसको अपन बिल्कुल लास्ट में रखेंगे ना। तो देखो सबसे पहले तो ये दोनों खत्म कर लो ना, अब उसके बाद तो मैं अगला क्या उठाना है, देखो ऑप्टिक्स भी उठाया जा सकता है, ऑप्टिक्स से एक उठाने का बड़ा रीजन ये है, इसलिए बोलूंगा क्योंकि ये भी इंडिपेंडेंट टॉपिक है ना, तो इसलिए मैं तीसरे नंबर पर डाल रहा हूँ, इसमें समय कम लगता है, ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है तुम गलत जगह बढ़ रहे हो, गलत तरीके से बढ़ रहे हो, ये आसान टॉपिक है, ठीक है। ये तुम्हारे 10th में भी रहता है ना, तो तुम्हें ऑलरेडी बहुत सी चीज़ें आती हैं,
तुम्हें कुछ फॉर्मूले होते हैं प्रैक्टिस करने होते हैं, हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, अगेन इंडिपेंडेंट है, इसको सब कर सकते हैं, इसके लिए किसी और चैप्टर से इसका लिंक नहीं है, ये अगला फायदा है इसको करने का। तो ये मैं कहूँगा ये कर लो ये कर लो ये कर लो ना। अब उसके बाद देखो, वैसे तो मैकेनिक्स उठाना चाहिए पर मैकेनिक्स में तुम्हें अच्छा खासा समय लगेगा, मैकेनिक्स डिफिकल्ट भी बहुत है ना। अब बात है कि तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी जा सकते हो, पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कई क्वेश्चन में मैकेनिक्स, पहले तो इसको समझने के लिए मैकेनिक्स आना चाहिए तुम्हें, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत सारे क्वेश्चन मैकेनिक्स के साथ मिक्स होकर आते हैं, मैग्नेटिज्म ई एम आई वगैरह में भी बहुत से क्वेश्चन में मैकेनिक्स हमारा अच्छा खासा यूज होता है, तो इसको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी अगर ये वाला पोर्शन कवर नहीं होगा ना। और एक बार ये पोर्शन कवर कर लेते ना, स्पेशली इसमें मैं कहूँगा वर्क पावर एनर्जी तक एटलीस्ट, है ना, स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स हैं काइनेमेटिक्स न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन सर्कुलर मोशन वर्क पावर एनर्जी, एटलीस्ट इतना पोर्शन अगर तुम कवर कर लेते हो ना तो फिर पूरी फिजिक्स तुम्हें बहुत आसानी तरीके से समझ में आती है। उसके बाद तुम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी समझ सकते हो, ये एसएचएम एंड वेव भी समझ सकते हो, एक और चैप्टर उसके बाद सेंटर मास कंजर्वेशन मोमेंटम एंड कोलिजन है ना, तो वो मोमेंटम के कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट होते हैं ना, तो मतलब मैकेनिक्स पूरी फिजिक्स का कोर है ना, ये समझो ना। तो ये मैं इसलिए रिकमेंड करूंगा कि ये कंप्लीट करने का तुमने एक अच्छा खासा पोर्शन कर लिया, मतलब तुमने अच्छे खासे क्वेश्चन अपने सिक्योर कर लिए हैं, उसके बाद मैकेनिक्स पे जाओ, क्योंकि देखो समय थोड़ा ज्यादा लगेगा पर क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा इसमें से ही आते हैं, और मैकेनिक्स कर लिया तो फिर उसका तुम कहीं भी जा सकते हो, उसके बाद सीधा तुम अगला अटैक अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे कर सकते हो अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है, नहीं तो एसएचएम एंड वेव खत्म कर देना ना, ठीक है। इसमें से भी देखो कई टॉपिक होते हैं जो आसान होते हैं, जैसे मैग्नेटिज्म जनरली बच्चों को आसान भी लगता है ना, क्वेश्चन भी हो जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी आसान लगता है, हो जाते हैं, तो तुम कुछ टॉपिक्स यहां से भी उठा के कर सकते हो ना, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक या कंडक्टर कैपेसिटर के क्वेश्चन जनरली कई बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं ना, ईएमआई वो थोड़ा डिफिकल्ट लग जाता है, तो ठीक है कुछ चैप्टर्स हैं जो आसान है उनको कवर करो, है ना, उनको कवर करो उठा के, तो इस ऑर्डर में पढ़ने की कोशिश करो, है ना। बाकी एक चीज़ याद रखना, इंपॉर्टेंट तो सब कुछ ही होता है, सब कुछ पढ़ना होता है ना, पर मैंने कहा था ये वीडियो से उन लोगों के लिए जिनका अभी तक बहुत सारा छूटा हुआ है पोर्शन और उनका टारगेट है कि सर हम लास्ट चार महीने में क्या करें, तो सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ मैं ना, जिनकी तैयारी अच्छी चली उनको तो सब कुछ करना चाहिए, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना ही दूंगा, ठीक है। ये मैंने दिखाई दिया, बाकी देखो इस ये पूरा ढंग से एनालिसिस देखना है ना, यहाँ पे तो मैंने ब्रीफ में बताया है, ढंग से एनालिसिस देखना है तो नीट 2021 एनालिसिस करके एक वीडियो मैंने डाल रखा है फिजिक्स ऑलिक्स पे, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसको पूरा जाके देख लेना, उससे बहुत अच्छे से अंदाजा हो जाएगा तुम्हें टॉपिक वाइज। अगली चीज, अब एक डाउट आएगा सर क्या ये सब चीज़ें हमारे लिए काम करेंगी भी या नहीं करेंगी ना, क्या ये सब करके मैं 120 मार्क्स या फिर 130 या 100 जो भी ये ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा। तो देखो सबसे बड़ी बात है सोचना बंद करो, करना चालू करो ना। मैक्सिमम बच्चे बस दिन भर प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हो, पिछले दो साल से एक साल से तुम यही करो, बस सोचे जा रहे हो सोचे जा रहे हो सोचे जा रहे हो, कर नहीं रहे हो। अगर नहीं करोगे तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो जो मैं बता रहा हूँ ना जिस तरीके से बता रहा हूँ बस अब करना चालू कर दो ना, अब स्टार्ट कर दो पढ़ना, सोचो मत, सोच के तो डेफिनेटली नहीं आएगा ना, करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस आ जाएंगे, करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस आ जाएंगे ना। तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है करते वक्त, वो मैं बता देता हूँ जो जो गलतियाँ तुम करते हो, है ना। सबसे पहले तो देखो रियलिस्टिक रहो, है ना, देखो पूरी फिजिक्स में बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं कि पूरी फिजिक्स की फीलिंग आ जाए, हम कोई भी क्वेश्चन उठा उठा के कर ले रहे हैं भाई, उसमें सही बताओ दो साल चाहिए, एक साल में भी नहीं हो पाता, दो साल चाहिए होते हैं, मुझे खुद लगे थे, मैंने सेल्फ स्टडी करी थी, इट टुक मी टू ईयर्स टू कंप्लीट एसी वर्माइंड एवरीथिंग, पूरे जेई के प्रीवियस के क्वेश्चन क्वेश्चन जब अपने जमाने में पढ़ाई कर रहा था, इट टुक मी दैट टाइम। तो मतलब दो साल एक ढंग का टाइम है जिसमें तुम पूरा पढ़ते हो, रिवीजन करते हो, ढंग से करते हो, पूरे डाउट आउट क्लेरिफाई करते हो, मॉड्यूल वॉड्यूल सब खत्म करते हो, तो इसमें तो दो साल का समय चाहिए होता है। अब तुम्हारे पास दो साल का समय नहीं है तो तुम्हें ये नहीं सोचना है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, नहीं नहीं हो सकता, एक लिमिट होती है, ह्यूमंस की लिमिट होती है ना। अब देखो ऐसा भी नहीं कि तुम न्यूटन आइंस्टाइन हो, समझ रहे हो ना, अगर होते तो अब तक तो कवर हो चुका होता, यहाँ पे इस वीडियो के लिए बैठे नहीं होते। तो अभी अपना टारगेट अपन को रियलिस्टिक रहना है, अनरियलिस्टिक गोल नहीं लेने, है ना। 160 प्लस भी का भी टारगेट अभी सही नहीं है क्योंकि उसके लिए एटलीस्ट एक साल का समय चाहिए होता है। एक साल के समय में जब तुम ढंग से प्रॉपर जैसे सुपर अचीवर बैच के बच्चे जो 29 सितंबर से स्टार्ट हुआ था ना, वो टारगेट ले रहे हैं क्योंकि उनके पास अच्छा एक साल पूरा नहीं मिला पर अराउंड उनके पास 9, 8, 9, 10 मंथ्स के अराउंड उनके पास है, इतना समय उनको मिला है, तो उसमें तुम इतना टारगेट कर सकते हो। इंडीड लास्ट ईयर अल्फा अचीवर ज्वाइन करता, अल्फा अचीवर बैच हमारा जनवरी में आता है, तो नीट 2021 में कई बच्चों ने लास्ट ईयर जनवरी में ज्वाइन करा था, उन्होंने सिर्फ 900 डीपीपी करे थे ना, है ना, एंड देवर एबल टू स्कोर 160 प्लस। तो मतलब मैं कहूंगा कि यार 160 प्लस लाने के लिए तो ना, तो मतलब एक साल नहीं तो कम से कम तो 6 महीने चाहिए, है ना, 6 महीने चाहिए, वो भी मैं 6 महीने भी नहीं बोलूंगा, कुछ ही बच्चे ला पाए थे उसमें ना, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत फोकस थे ना, वो बच्चे बहुत ज्यादा फोकस के साथ पढ़ाई करे थे इसलिए वो बच्चे ला पाए, कुछ स्टूडेंट ला पाए थे ना। तो देखो, और अब देखो, अब तुम कहोगे कि सर मैं कितना टारगेट लूँ, तो मैं कहूँगा टारगेट मत लो, पढ़ाई करना चालू कर दो यार, है ना, टारगेट लेने से नहीं होता, वो डिपेंड करेगा। अगर तुम बिल्कुल ही जीरो लेवल पे यार, तो तुम्हारे लिए तो 100 ले आओ, उस उतना ही बहुत है। अगर तुम कह रहे हो कि सर मैं ऑलरेडी 50% के अराउंड मेरा कवर्ड है, इतना है मुझे, इतना आता है, तो तुम ठीक है 140-150 तक भी खींच सकते हो, पर बात ही कि सोचना बंद करो, करना चालू करो, सोचो मत, तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला, तुम जितना करते जाओगे तुम्हारे नंबर अपने आप इंप्रूव करते जाएंगे, सोचो मत, है ना, अच्छी बात है। देखो, है ना, तो तुम्हें ये इतना भी नहीं सोचना है ना, देखो, है ना,
देखो यार 160 प्लस वगैरह लाने के लिए ना तो कई क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं और अब पेपर डिफिकल्ट भी हो गया है, सेक्शन बी में तुम्हारे रहेंगे, कुछ क्वेश्चन सीधे सीधे डिफिकल्ट आएंगे, उनको भी करना पड़ेगा अगर 160 प्लस हमारा टारगेट है तो ना। पर अगर हम 120 130 के अराउंड सोचें तो मैक्सिमम क्वेश्चन तुम देखो कि वो इजी या मॉडरेट थे ना, मैंने बताया था ना सिर्फ इजी और मॉडरेट करके भी तुम अराउंड 156 के अराउंड मार्क्स ला सकते हो, सिर्फ इजी मॉडरेट क्वेश्चन अगर पूरे कर लो ना। अब पूरे नहीं कर पाएंगे, कुछ चैप्टर्स हम नहीं पढ़ पाएंगे तो छोड़ भी देते हैं, तो भी तुम 120 130 के अराउंड जा सकते हो सिर्फ इजी और मॉडरेट को टारगेट करके ना। तो याद रखना इजी मॉडरेट में अब जो क्वेश्चंस होते हैं उनके हिसाब से बता रहा हूं, उनके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट में जाने की जरूरत नहीं ना, वो क्वेश्चंस ना जनरली फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, कंप्लीटली फॉर्मूला बेस्ड नहीं थे मतलब, पर अगर तुम्हें फॉर्मूला ढंग से पता है, फॉर्मूले की एक एक चीज का मतलब पता है, जैसे हम जब क्लास में पढ़ते हैं तो मैं फॉर्मूले में टर्म्स बताता हूं तुम्हें किस टर्म का क्या मतलब है ना, कहां से आया कैसे आया, उस फॉर्मूले का बैकग्राउंड हमको पता होता है ना, ठीक है, वो फॉर्मूले की केसेस पता होते हैं कि किस केस में लगेगा और किस केस में नहीं लगेगा और उस फॉर्मूले में कितने तरीके सिली मिस्टेक होते हैं, ये सारी चीजें हम क्लास में कवर करते हैं। अगर तुम्हें इतना पता है ना तो काम हो जाएगा, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड तो नहीं होएगा। देखो सिर्फ फॉर्मूला रट के कि तुम्हें फॉर्मूले का मतलब ही नहीं पता भाई, उसमें किन जीरो का क्या मतलब है ढंग से, बस तुमने रट लिया ये प्रेशर होते हैं वेलोसिटी होता है और कुछ पता नहीं है तो फिर नहीं होना, तो फिर भाई 20-30 नंबर भी नहीं आएंगे ना। पर अगर तुम्हें ढंग से मतलब फॉर्मूले के बारे में पता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा डेप्थ में होता हूं, पर एक डिसेंट तुम्हें फॉर्मूले के बारे में पता है और उस पर तुमने डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रखे हैं तो तुम क्वेश्चंस कर पाओगे जो इजी और मॉडरेट लेवल के, उनको तुम सॉल्व कर पाओगे ना। तो वो मोस्टली फॉर्मूला बेस्ड है, तुम अगर इजी और मॉडरेट लेवल के देखोगे 2021 के भी कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं पता तो नहीं कर पाओगे है ना। अगर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड पता है थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पता है तो उनको अटेम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। तो अभी के लिए तुम्हें क्या करना है, कोई भी डेरिवेशन वगैरह करना बंद कर देना, चीजों को ड्राइव करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, बिल्कुल डेरिवेशन नहीं करना तुम्हें किसी भी फॉर्मूले वगैरह का, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट में जरूरत से ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, अपन को डिफिकल्ट वाले नहीं करने अभी टारगेट, अपन को सिर्फ इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन टारगेट करने, उनके लिए ना डेरिवेशन की जरूरत पड़ेगी ना इसकी। अगर मान लो तुमको अभी तक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता है, परेशान मत हो, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था 2021 में जहां पे तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना हो, समझो। अगर आएगा भी तो एक या दो क्वेश्चन, एक से वैसे एक से ज्यादा तो आने नहीं है, ज्यादा ज्यादा एक या दो आ जाएंगे जहां पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज होना होगा, छोड़ देना उन क्वेश्चन को। तो बिल्कुल भी अगर अभी तक नहीं आता है तो अब इन चीजों पे परेशान नहीं होना, इन पे समय नहीं करना, इन पे समय बर्बाद नहीं करना है तुम्हें ना, ठीक है। ज्यादा मैथ्स में जाने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा मैथ्स नहीं आती कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इतना ध्यान रखना 10th क्लास तक की मैथ्स तो आनी चाहिए, यहां पे कोई मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अगर वो नहीं आती फिर तो तुम नहीं कर पाओगे। देखो यार है ना 10th क्लास तक की मैथ्स मतलब बिल्कुल बेसिक वाली भाई ये तो आनी चाहिए, मैं फ्रेंकली बताता हूँ इसके बिना नहीं होगा। जैसे मैंगो मेथड मतलब अपनी यूनिटरी मेथड, भाई 100 रुपये में 10 आम आते हैं तो 10 रुपये में कितने आएंगे भाई, ये पूरी फिजिक्स में यूज होती है हमारी 11th की फिजिक्स में, तो ये पूरे ढंग से इसको तो पता होना चाहिए ना। परसेंटेज चेंज निकालना, रेशो निकालना, प्रोपोर्शनैलिटी, तुम देखो पूरे नीट के क्वेश्चन इसके अराउंड घूम रहे होते हैं, अगर ये इतना है ये इतना है इसको डबल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी परसेंटेज फ्रैक्शन चेंज ये बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए यहाँ पे, मतलब इतना सा भी अगर नहीं आता तो दिक्कत हो जाएगी। टू वेरिएबल टू इक्वेशन ये बेसिक सी चीजें यार, अगर ये नहीं आती तो इनको पहले सुधारो यार। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसकी तो कहीं भी जरूरत पड़ जाएगी, ये छोटी मोटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अपन है ना, ये प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, देख लेना। अगर ये नहीं आता तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, नहीं आता तो कर लो, इसमें ज्यादा समय नहीं लगता, 3-4 घंटे बैठ के प्रैक्टिस कर लो। मान लो क्वाड्रेटिक में दिक्कत है भाई, 3 घंटे भी बैठ जाओगे ना उठा के भाई 15-20 क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे, हो जाएगी दिक्कत समाप्त है ना। अगर ये नहीं हुआ तो तुम्हारा फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री गया है ना। अभी सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है ध्यान रखना, तो अभी तुम्हारा टारगेट होना चाहिए सिर्फ नोट्स और डीपीपी पे ध्यान दो। अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो मेरे नोट्स और डीपीपी है ना, अगर नहीं पढ़ रहे हो तो भाई मेरी वेबसाइट पे जाओगे, वहां पे तुम्हें पूरी डीपीपी मिल जाएगी, एक एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, पूरे टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर में डिवाइडेड है भाई, इसमें से ये इसमें से पूरे मतलब पूरा सॉर्टेड मिलेगा तुम्हें ना, पूरा कोटा का मटेरियल है, सॉल्यूशन भी सारे कोटा के टीचर्स ने बना के पूरा तुम्हें बिल्कुल मिल जाएगा ना, कंप्लीटली फ्री है, वेबसाइट पे जाना मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसके ना। याद रखना एटलीस्ट कोशिश करो एक मॉक टेस्ट या क्विज तुम्हें हर हफ्ते देना ही देना है, चाहे तुम्हारी पढ़ाई ना हो, तुम्हें लग रहा है कि नहीं सर मेरे तो कोई नंबर ही नहीं आएंगे तब भी जाके दो, क्योंकि अगर तुम पढ़ते भी रहोगे ना मॉक टेस्ट नहीं दे रहे ना तो एग्जाम में जाके तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। मान लो तुम्हारी पढ़ाई इतनी हो गई थी कि तुम फिजिक्स में 130 नंबर ला सकते थे मान लो, पर अगर तुम बिल्कुल भी मतलब मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो ना तो तुम्हारे अगर लेवल भी है ना 130 लाने का तुम 70-80 से ऊपर नहीं ला पाओगे, ये ध्यान रखना। तो हर हफ्ते क्विज या मॉक टेस्ट एक देने ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसमें 0 नंबर है चाहे नेगेटिव नंबर है, देना है, ये अंदर का डर भी निकालना जरूरी है, वरना आते हुए भी तुम नहीं कर पाओगे एग्जाम में। याद रखना चाहे 0 नंबर आए तब भी हमें हर हफ्ते में एक मॉक टेस्ट तो देना ही देना है, और एंड में जाके फिर अपन को वो फ्रीक्वेंसी वगैरह बढ़ानी है, वो तो एक अलग बात है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना भैया, इसका फोटो ले लो, ये तुम्हारे लिए चेकलिस्ट रहेगा है ना, इसका फोटो ले लो भाई जल्दी से ना स्क्रीनशॉट। चलो आ जाओ, मोस्ट एफिशिएंट वे टू रिमेंबर है ना। तो आप फॉर्मूला भाई कैसे रखें ना, तो अपन को भाई पूरा फॉर्मूला बेस्ड भी नहीं करना, पर ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट में भी नहीं जाना है ना, लिटिल कॉन्सेप्ट के साथ अपन को फॉर्मूला ध्यान रखना है, ताकि अपन क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाए है ना, जो 2021 में आए थे ना उस लेवल के क्वेश्चन कर पाए इजी और मॉडरेट लेवल के। तो अपन को क्या ध्यान रखना है, पहले तो देखो यार
है ना, मैंने कहा ना कि इंटरनेट में भटकाने वाली बहुत सारी चीज़ें, अगर तुम पहली बार यहाँ पे आए हो तो तुम्हें शायद पहली बार पता चलेगा, फिजिक्स में माइंड मैप्स वगैरह जैसी कोई चीज़ें नहीं होती। अगर कहीं तुमने यूट्यूब से टेलीग्राम से ऐसे कुछ ज्वाइन कर रखा है और वहाँ से तुम ऐसी चीज़ें डाउनलोड कर रहे हो, तुम अपना बस समय बर्बाद कर रहे हो और कुछ भी नहीं हो रहा है। सुंदर सुंदर राइटिंग के हैंड नोट्स, शॉर्ट नोट्स, फिजिक्स में शॉर्ट नोट जैसी भी कोई चीज़ नहीं होती है ना। मैं रीज़न बता दूंगा क्यों, है ना, अगर है तो खुद की होनी चाहिए, किसी और की नहीं होनी चाहिए ना। तो अगर तुमने कहीं से भी फॉर्मूला शीट, किसी और की फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर रखी है सुंदर सुंदर राइटिंग में कुछ भी कर रखा, तो ये सब कुछ भी काम नहीं आएगा, तुम्हारा बहुत सारा समय बर्बाद करते हो। उसको फेंक दो, वो कंप्लीटली यूजलेस है। तुम्हें क्या करना है मैं बताऊँ ना, गलती से भी मत करना इन चीज़ों में। फिजिक्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है, फिजिक्स में ऐसी कोई चीज़ होती नहीं। अरे पूरी फिजिक्स में मुश्किल से 100-150 फॉर्मूले, पूरी फिजिक्स में मुश्किल से 100-150 फॉर्मूले हैं, इससे ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है। दिक्कत ये होती है कि तुम 1000-2000 फॉर्मूले याद रखते हो और उनमें से कोई भी फॉर्मूला एग्जाम में काम नहीं आता। जब तुम क्लास में पढ़ते हो तो तुम्हें लगता है अरे वाह फॉर्मूला लगा लिया, पर वो फॉर्मूले एग्जाम में काम नहीं आते ना। तो भाई तुम्हें ढंग से करना है ना, इससे ज़्यादा फॉर्मूले पूरी फिजिक्स में नहीं है ना। देखो मैं बता देता हूँ, फिजिक्स में 4 चैप्टर है बस फॉर्मूले वाले, इन 4 चैप्टर के फॉर्मूले जाके याद कर लो। सेंटर मास के फॉर्मूले 8-10 उनको याद करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन वाले चैप्टर में 8-10 फॉर्मूले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, उनको याद रखो, उनके याद नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 12th में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के फॉर्मूले हैं, ऐसे ही 10-15 फॉर्मूले हैं, उनको याद रखो, रिंग का, स्पीयर का, होलो स्पीयर, ये अंदर बाहर वगैरह ये सारे याद रखो ना। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स के, तो ऐसे 4 चैप्टर हैं जिनमें बस फॉर्मूले हैं, इनके तुम्हें फॉर्मूले याद रखने हैं, इनकी तुम्हें फॉर्मूला शीट तैयार करनी है, उसके अलावा कहीं भी फॉर्मूला शीट की जरूरत नहीं पड़ती। लोग लगे रहते हैं फॉर्मूला शीट डाउनलोड करें बना रहे, अभी जरूरत ही नहीं इतनी, अब इतनी जरूरत ही नहीं है, ये मैं प्रोवाइड कर दूंगा तुमको, है ना। बाकी खुद से लिखो यार, तुमने जहाँ से भी पढ़ा जो भी पढ़ा खुद से लिखो, है ना। मैं रीज़न बता रहा हूँ, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं रीज़न बता रहा हूँ क्यों दूसरे की फॉर्मूला शीट वगैरह से नहीं करना चाहिए। देखो क्या होता है, एक फॉर्मूले को लिखने के लिए भी 1000 तरीके होते हैं। जैसे मैं रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ मान लो, तो अब उसको उसमें कई लोग उसको अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। मैं डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा हूँ, मैं लिखता हूँ सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इनटू 1 माइनस कॉस थीटा, अब तुम्हें पता नहीं रहेगा वो थीटा क्या है। किसी और के लिखने का तरीका कुछ और होता है। तो समझो एक फॉर्मूले को ना 10 और 1000 तरीके से लिखते हैं, सब अलग अलग नोटेशन यूज करते हैं, हर किताब अलग तरीका होता है, हर टीचर का अपना अलग तरीका होता है। तो ये समझो दूसरों की इंटरनेट वगैरह से ये सब हरकतें बंद करो कि इसकी फॉर्मूला शीट डाउनलोड कर ली, उसकी कर ली। तुम्हारा खुद का एक स्टाइल है, तुम जिस भी टीचर से पढ़े हो, अगर मुझसे पढ़े हो तो भाई मेरे वाले तुम वो तरीका फॉलो करो, कहीं और से पढ़े तो उसको फॉलो करो और उस तरीके से प्रैक्टिस करो यार। तो दूसरे की फॉर्मूले से समझ में नहीं आती, और फॉर्मूले में सिर्फ फॉर्मूले में कुछ नहीं होता, उस फॉर्मूले में एक एक टर्म का मीनिंग पता होना चाहिए, किस केस में लगता है किस केस में नहीं लगता, इसमें कितने तरीके की सिली मिस्टेक होती हैं, हर फॉर्मूले के बारे में इतनी डिटेल तुम्हारे पास होनी चाहिए, तब जाके कुछ मतलब है उस फॉर्मूले का, बनना वो बेकार है। इसलिए फॉर्मूला शीट्स कभी काम नहीं करती है ना, ठीक है। तो क्वेश्चंस कैसे बनाने, फॉर्मूले याद करने का तरीका क्या होता है, देखो सीधी सी बात है कि भाई तुमने उठा लिया मान लो, है ना, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उठा ली, डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उठा ली, तो भाई उठाओ जैसे DPP मान लो तुम्हारे पास कोई अच्छी कोचिंग का पैकेज वगैरह है तो उसको कर लेना। मार्केट में जो किताबें वगैरह उनसे मत करना, उनमें तो बहुत सारे एरर्स होते हैं। किसी अच्छी कोचिंग का पैकेज उसको कर लो, नहीं तो फिजिक्स वाले से मॉड्यूल है वो कर लो, मुझसे पढ़ रहे हो ना तो वो कर लो, फिजिक्स वाले से मॉड्यूल्स होंगे तुम्हारे पास, है ना, हमने पूरे बिल्कुल रिफाइन कर रखे, हाई क्वालिटी मॉड्यूल्स है, एरर फ्री है ना, जो कोटा के टॉप टीचर्स है वो उनको बना रहे हैं और उनको रिफाइन करें, उनके वीडियो सॉल्यूशंस देना, DPP के तो प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन भी तुमको मिल रहा है ना। DPP तो देखो सबके लिए फ्री है, अगर तुम मुझसे नहीं पढ़ रहे हो वो भी कर सकते हो। तो बेस्ट तरीका है अगर तुम्हारे पास कोई और मटेरियल नहीं है तो हमारी DPPs में जाओ, 100% फ्री है, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन है, हर चैप्टर डिवाइडेड है। जैसे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो उस पर 10 पार्ट में डिवाइडेड है, हर छोटे छोटे पार्ट पे एक DPP में 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, वो भी सब टॉपिक वाइज डिवाइडेड है, तो तुम्हारी पूरी तगड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ बेस्ट DPP करो इस वक्त, है ना। कोई भी अगर तुम्हारे पास नहीं है तो भाई उठाओ जो फिजिक्स वाली वेबसाइट पे जाओ, सारी DPPs मिल जाएंगे ना। नीट वाली करनी है, JEE वाली नहीं करनी ना, वहाँ पे JEE वाली अलग देनी है, तो मैं नीट वाली करनी है ना DPPs, तो उनको करो। तो मान लो तुमने उठा लिया भाई, है ना, कि रिंग की कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यार वाली DPP निकाल लो, उसमें तुम्हें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड पे, डिस्क की इलेक्ट्रिक फील्ड पे, वो क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर तुम उस फॉर्मूले पे 4-5 क्वेश्चन कर लोगे ना तो बहुत सारे केसेस कवर हो जाएंगे, फिर वो फॉर्मूला अपने आप तुम्हारे दिमाग में हो जाता है। बैठ के कभी ऐसे याद नहीं करना होता रिंग का फॉर्मूला ये डिस्क का ये ऐसे ऐसे, अब एक क्वेश्चन करते ही याद हो जाता है, तुम 4-5 क्वेश्चन करोगे वो फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में चला जाएगा। अब एक बार दिमाग में चला गया उसके बाद तुम भाई उठा के उस लिस्ट को देख लो, तुम्हें याद आ जाएगा ना। तो इन 4 के अलावा कहीं भी फॉर्मूला शीट वगैरह बनाने की जरूरत होती नहीं, बस ये 4 चैप्टर हैं। और फॉर्मूला इस तरह से करने हैं, अगर तुमने सिर्फ फॉर्मूला याद करा तो उससे कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और बेस्ट सोर्स मैं बता दे रहा हूँ जो DPP से ना, वही कोटा का हमने पूरा मटेरियल रिफाइन कर दिया, फिजिक्स वाली सी DPPs करो जाके, मतलब पूरे तगड़े हैं और आसान नहीं है वो क्वेश्चन, मतलब बिल्कुल जो तुम्हें नीट के लिए जो लेवल चाहिए ना, जो मॉडरेट लेवल है वो लेवल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में कॉन्सेप्चुअल भी नहीं है, जो नीट के लिए एक्जैक्टली तुम्हें जो चाहिए ना वो है उन DPPs में, तो उनको जाके सॉल्व करो, ये तुम्हारा बेस्ट शॉट है अभी के लिए ना, ठीक है ना। ये भी वही है, डोंट ट्राई टू मग अप एनी फॉर्मूला अनलेस यू हैव सॉल्व एटलीस्ट 5 न्यूमेरिकल, है ना। तो सीधी बात है, कम से कम ये समझ लो मिनिमम 5 क्वेश्चन जब तक ना करो उसको याद करने की कोशिश मत करना, क्योंकि याद करने से कुछ नहीं होगा, अगर याद भी है ना वो तुम्हें एग्जाम में तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। अगर किसी भी क्वेश्चन पे तुमने कम से कम मतलब मिनिमम बोल रहा हूँ नंबर,
अगर तुमने मिनिमम 5 क्वेश्चन नहीं करे ना किसी भी फॉर्मूले पे, तो उसको कितना भी याद कर लो कोई मतलब नहीं निकलने वाला, एग्जाम में नहीं होना, क्योंकि वो एग्जाम में तुम्हें पता ही नहीं होगा तो लगना है ना, और लगाने भी तुम ढंग से लगा नहीं पाओगे उसे, तो भाई इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। अब इससे अपन इनमें लास्ट के थे, तुमने पास 3 महीने के अराउंड बचे हैं, है ना, 3-4 महीने जो भी है उसमें अपन क्या कर सकते हैं। तो देखो पहले तो हाई फाई कुछ भी नहीं उठाना है, एससी ब्रह्मा वगैरह ये सब भाई वो उस बच्चे के लिए होता है जो 11 से पढ़ रहा होता है, उसके पास समय होता है, तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है, तुम्हें ये बिल्कुल भी नहीं करना है ना। अब यहाँ पे दो तरह के बच्चे होंगे, कुछ 12th के होंगे, कुछ ड्रॉपर्स होंगे। तो भाई 12th वाले बच्चों को भाई एनसीईआरटी करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी बोर्ड का एग्जाम भी देना है, तो एनसीईआरटी के अच्छी बात है ना, ये मत सोचना कि क्लास 12th की पढ़ाई अलग हो रही है नीट की अलग हो रही है। अगर एनसीईआरटी उठा के तुम उसकी रीडिंग मार रहे हो एक बार, उसके एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व कर रहे हो, तो तुम्हारी नीट की तैयारी भी हो रही है, याद रखना है ना। तो बोलोगे एनसीईआरटी उठा के कर लें जो 12th के बच्चे ना, क्योंकि उनको तो यार बोर्ड भी देनी है अभी ना, तो उनका ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। अब रही बात भाई जो है ना ड्रॉपर है या फिर क्लास 12th के बच्चे भी ये कर सकते हैं ना, तो देखो बेस्ट है अगर तुम्हारे पास किसी अच्छी कोचिंग का पैकेज वगैरह है उसमें तुम पढ़ रहे हो तो वो कर लो, उसमें भी कोई इशू नहीं है। बुक्स वगैरह मत उठाओ मार्केट से ना, वो बहुत बेकार है, नीट की किताबें अच्छी है नहीं मार्केट में ना। अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो वहाँ का मॉड्यूल कर लो, नहीं तो जो फिजिक्स हॉलिक्स का मॉड्यूल है, फिजिक्स हॉलिक्स की DPPs मॉड्यूल्स एंड रैंक बूस्टर मटेरियल। भाई हम अपने स्टूडेंट्स को यही कराते हैं, इसको ही करके भाई पिछली बार बच्चे 170 तक लाए फिजिक्स में ना, तुम लोग भी ला सकते हो ठीक है। 6-6 महीने में सिर्फ DPP और नोट्स है ना, नोट्स तुम्हें नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि नोट्स उनके लिए जो क्लास में रहते हैं ठीक है। तो DPP और नोट्स करके भी 160 प्लस लाए हुए हैं सिर्फ इतना करके ना। तो मैं कहूँगा सबसे पहला टारगेट अपना DPPs का ले लो, और मॉड्यूल की एटलीस्ट एक्सरसाइज मान ले लो, इतना शायद तुम लोग कर सकते हो ना 4 महीने में सारी DPPs खत्म कर लो। इससे बेस्ट तो, इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं, ये कम्प्लीटली फ्री डली हुई है। और अगर भाई मुझसे पढ़ रहे हो तो एक्सरसाइज बन भी तुम्हें मिल जाएंगी ना, मॉड्यूल की एक्सरसाइज बन कर लो, मॉड्यूल की एक्सरसाइज बन करो, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नहीं तो एटलीस्ट DPP का टारगेट रखो, रैंक बूस्टर मटेरियल अभी तुम नहीं कर पाओगे, अभी तुम्हारे लिए नहीं है ना, तुम नहीं कर पाओगे ना। ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरे DPP और पूरा मॉड्यूल्स खत्म कर लिया है, वो रैंक बूस्टर मटेरियल करते, तो मैं अभी इस पे नहीं जाना, तुम बस DPP रहो और मॉड्यूल के एक्सरसाइज बन का टारगेट ले लो, बस इतना कर सकते हो, ये रियलिस्टिक टारगेट है। और इस टारगेट के साथ तुम अगर इतना कंप्लीट कर लोगे ना, तो 120, 130, 140 तक भी जा सकते हो तुम्हें ना ठीक है। मैंने कहा ना सिर्फ डीपीपी करके, नोट्स और DPP करके लोग 160 प्लस पे जा चुके हैं है ना, तो तुम जा सकते हो, ये रियलिस्टिक टारगेट है, ये वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग जो रियलिस्टिक है तुम्हारा है ना ठीक है। अब PYQs कहाँ से करें भाई, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है ना, PYQs छोड़ के नहीं जा सकते। तो PYQs के लिए देखो अनफॉर्चुनेटली मार्केट में एक भी अच्छी किताब नहीं है, एक भी ऐसी बुक नहीं है नीट की जैसे मैं जो एरर फ्री हो भाई, जितने भी हैं भर भर के एरर से क्वेश्चन ही गलत दिए हुए हैं। पहले तो नीट में कई बार गलत क्वेश्चन आए हुए हैं, छोटी गलतियां बड़ी गलतियां बहुत हैं, क्वेश्चन गलत दिए हुए, सॉल्यूशन गलत दिए हुए, आंसर गलत दिए हुए, उन बुक को करके तुम जितना सीखोगे नहीं उससे ज़्यादा तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा ना। और ऑनलाइन तो सॉल्यूशन वगैरह ऐसी किताबों में सॉल्यूशन वगैरह या फिर ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं देखना, जो ऑनलाइन सॉल्यूशन डले होते हैं बहुत ही लो क्वालिटी के होते हैं, कॉलेज के बच्चे आके सॉल्यूशन पढ़ रहे होते हैं, उनको खुद नहीं पता होता वो क्या कर रहे होते हैं, गलत गलत सॉल्व कर रखे हैं ना। ये नहीं कहूँगा सारी गलत है, पर अराउंड 20-30% गलत है, 20-30% बहुत ज़्यादा होता है, 20-30% अगर गलत है ना क्वेश्चन या फिर सॉल्यूशन तो वो बहुत ज़्यादा होता है, फिर गलत तरीके से सॉल्व करके सही आंसर ला रहे होते हैं, बस उनको आंसर मैच कराना होता है, तो बिल्कुल भी मत करना, इससे तो तुम्हारा उल्टा बर्बाद हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली एक भी अच्छा सोर्स नहीं है इस वक्त, जो सोर्स है PYQs का वो मेरे नोट्स ही हैं। मैं जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मेरे नोट्स के साथ सारे PYQs होते हैं, बिल्कुल डिवाइडेड होते हैं, तो हम क्लास के अंदर ही कर लेते हैं, उनमें जो गलत क्वेश्चन उनको मैंने सही कर रखा है, किसको कैसे क्या करना है, वो मैं क्लास के अंदर ही बताता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोई और सोर्स है नहीं है ना, मतलब दैट इज द ओनली सोर्स ठीक है। तो जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनके पास ये ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, तो बाहर से उनको कहीं कुछ नहीं करना है। जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो भाई मैं बता देता हूँ, मेरे नोट्स वगैरह मतलब वैसे तो मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि किसी और के नोट्स से नहीं पढ़ना चाहिए, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है ना, और ये बहुत ज़रूरी भी है। नोट्स खुद क्लास में बैठ के बनाएं तो वो एक अलग चीज़ होती है, जैसे हमारे स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं वो क्लास में बैठ के मुझसे नोट्स बना रहे हैं ना, समझ तो वो उनके नोट्स हो गए है ना। पर बाकी भाई मेरे नोट्स वगैरह लोग टेलीग्राम पे सर्कुलेट करते रहते हैं, पूरे PDF वगैरह सब सर्कुलेट होते रहते हैं, कोई लोग 50-50 रुपये में बेच रहे हैं, तो भाई तुम्हारे पास हो तो ठीक है देख लेना, उसमें तुम्हें सारी PYQs मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है तो उसमें तुम्हें सारे PYQs एटलीस्ट मिल जाएंगे, करेक्टेड एरर फ्री होंगे उसमें उसके अंदर ठीक है। और बहुत सारे चैप्टर के हमने वेबसाइट पर भी डाल दिए PYQ के सॉल्यूशन है ना, तो सारे नहीं मिलेंगे पर बहुत सारे तुम्हें मिल जाएंगे ठीक है। तो यहाँ से प्रैक्टिस करो, बाकी तुम अगर चाहो तो अभी लास्ट 3 मंथ में हमारा क्रैश कोर्स भी आएगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो, तो उसमें ज्वाइन करोगे तो फिर तुम्हें पूरा फिजिक्स वाले से मॉड्यूल DPP सारी चीज़ें मिल जाएंगी, अनअकैडमी का आज के डाउट फीचर वगैरह सब कुछ मिल जाएगा ठीक है। तो इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है, जिन बच्चों को मुझसे आगे पढ़ना है अनअकैडमी पे है ना, फिर तो पूरे होगा, हमारी पूरी जो टीम है कोटा के टॉप 6 टीचर्स और अनअकैडमी के टॉप 6 टीचर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हम लोग फिर पूरा ही कवर कराएंगे तो मैं ना सब कुछ है ना। तो फिजिक्स लाइव कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हो है ना, दिस इज ऑप्शनल। और अगर कोई भी क्वेरी है नए बैच वगैरह से रिलेटेड है ना, तो ये मेरी टेलीग्राम आईडी, इसमें मुझे मैसेज कर देना PJSIR Unacademy ठीक है। और बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे सारे अपडेट मिल जाएंगे, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगा तो शेयर कर देना, तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त हो जिसको जरूरत हो ठीक है। बाय बाय, सी यू गाइस है ना।